एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे और आपके YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश, क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है प्रकाश। आज हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण होता है जो हमारे दृष्टिज्ञान को जागृत करता है, अर्थात जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम अंधेरे बंद कमरे में किसी वस्तु को देखते हैं तो अगर हम अपनी आंखें खुली रखेंगे तो भी हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। यदि हम अंधेरे बंद कमरे में किसी वस्तु को देखते हैं तो वह नहीं दिखाई देती है। यदि हम किसी टॉर्च को जला देते हैं वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें वस्तुओं को देखने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिज्ञान को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लिखेंगे हम प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टिज्ञान को जागृत करती है। और वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, जैसे विद्युत बल्ब हो गई और लालटेन हो गई, मोमबत्ती हो गई आदि। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अर्थात जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करे, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं सदा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि ये वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। इनमें कोई टॉर्च जलाने नहीं जाता है, ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर देती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। हम लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं,
स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अपरदीत वस्तु कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो सदा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अपरदीत वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं दूसरों की सहायता से यानी इन सब की सहायता से प्रकाश का उत्सर्जन करेंगी, स्वयं उस प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेंगी। ये अपरदीत वस्तुएं जैसे हो गई, ये मार्कर, और कुर्सी, घर आदि सभी अपरदीत वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। एक आगे है प्रकाशित माध्यम। प्रकाशित माध्यम क्या होता है? प्रकाशित माध्यम प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश कई माध्यमों से होकर गुजर सकता है। लिखेंगे प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। स्टार बना के लिखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणे दस की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो प्रकाशित हमारा माध्यम है ये कई प्रकार का हो सकता है, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासक। प्रकाशित माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशित माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पारदर्शक। पारदर्शक नंबर दो पारभाषक। नंबर तीन अपारदर्शक। अपारदर्शक माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरा आर पार चला जाए उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश, ये जैसे कांच हो गया,
एकदम सफा सफा कांच जिसे हम टॉर्च में लगाते हैं, इसमें से हम प्रकाश जलाते हैं तो आर पार चला जाता है, और ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। अब नंबर दो है पारभाषक, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें से पूरा प्रकाश आर पार ना जाए, ठीक, जिसमें से पूरा प्रकाश आर पार ना जाए। पारदर्शक माध्यम में था पूरा चला जाता था, पारभाषक में है पूरा नहीं जाएगा। जैसे धुंधला हुआ कांच, घिसा हुआ धुंधला हुआ और गंदा जल हो गया, इसमें से जब टॉर्च जलाएंगे यदि घिसा रहेगा तो पूरा नहीं जाएगा, बहुत ही कम जाएगा। और नंबर तीन पे आता है अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे पारदर्शक में था पूरा प्रकाश आर पार चला जाता था, पारभाषक में है थोड़ा थोड़ा जाता है बहुत कम, और अपारदर्शक में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अपारदर्शक ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश नहीं आर पार जा सकता है। जब टॉर्च मारेंगे यहाँ पर दीवार खड़ी हो गई तो प्रकाश नहीं जा पाएगा, इसे बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। आगे है हमारा प्रकाश की किरण। प्रकाश प्रकाश की किरण प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश तो हमेशा सरल रेखा में चलता है, ये तो सभी जानते हैं। प्रकाश एक सरल माध्यम में और सरल रेखा में गति करता है। और प्रकाश की किरण कैसे होती हैं? प्रकाश की किरण तीन प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। नंबर एक अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी शब्द से ही पता चल रहा है कि अभिसारी कैसे होता होगा। जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी अभिसरित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी बोलते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलेंगी उसे बोलेंगे अभिसारी। इसको हम लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। नंबर दो पे है अपसारी, अपसारी में क्या होगा? जब कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या निकलती हुई, जब किसी बिंदु से कई सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अपसरित होती हैं, अपसरित फैलती हुई दिखती हैं, उसे बोलते हैं अपसारी। और नंबर तीन समांतर, समांतर, समांतर तो आप लोग चतुर्भुज में भी पढ़ते हैं, जिनमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे समांतर कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। और इसमें समांतर प्रकाश की किरण है तो उसमें प्रकाश की किरणें समांतर रहेंगी, ये समांतर, ये समांतर, इसमें प्रकाश की किरणें समांतर दिखाई देगी, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, एकदम बेस्ट टॉपिक, मजेदार। प्रकाश का परावर्तन एकदम गजब का टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन।
उसका हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटी किए हैं। जब हम किसी कांच को धूप में लेकर देखते हैं तो किसी के आंख में चमका देते हैं, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम इसमें लिखेंगे एकदम सिंपल और सरल भाषा में, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर इसी तल से टकराता है और तल चिकनादार होता है, और चिकनादार तल होने के कारण प्रकाश का परावर्तन कर देता है। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण यानी पूरा पूरा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा एक चिकना हुआ तल है, नीचे कलाई भी की हुई है। जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। हम कहेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और इसमें यहाँ पर हम ये यहाँ पर पड़ता है प्रकाश उसे बोलते हैं आपतन बिंदु,